बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स जी उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि के पी के टेक्स्ट बुक यानी इंग्लिश टेक्स्ट बुक की हम लोगों ने ग्लॉसरी एंड एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करना है तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लिया हुआ एंड आज हम माशा से चैप्टर नंबर फ़ाइव को देखेंगे उसकी ग्लासरी एंड एक्सरसाइज की एक्सप्लेसन को सो so, लेट्स छोटी सी इसकी है खुश हो जाए ठीक है का पहला है टैक्स, टी -ए -स -स, टैक्स. टैक्स क्या बच्चों टैक्स कहते हैं कील को ठीक है शार्प ब्रॉड हेडेड नेल जिसके ऊपर से जो हेड होता है वो थोड़ा ब्रॉड सा होता है ठीक है और वो छोटा सा कील होता है जिसको टैक्स का नाम दिया जाता है सेकेंड है स्प्लिंटर

टुकड़ा किसी वुड का किसी आयरन का किसी ग्लास का किसी भी चीज का बोर्ड्स तो बच्चों इस चैप्टर में बोर्ड्स का मतलब है लकड़ी का तख्ता लकड़ी का तख्ता यानी कि अ लॉन्ग थिंग फ्लैट पीस ऑफ वुड और अदर हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लोर्स और अदर बिल्डिंग पर्पेस जिसको छत बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है थीके, बड़े बड़े पीस फ्लैट पीस होता है वुड का या किसी दूसरे हार्ड मटेरियल का जो छत में इस्तेमाल होता है छत बनाने में इस्तेमाल होता है फिर है लैंड इंस तो बच्चों लैंडिंग्स कहते हैं जहाज से जब उतरते हैं ना तो एक स्लोपी सा जो स्टेयर्स टाइप की होती है उसे हम लैंडिंग्स कहते हैं ठीक है लैंडिंग्स जहाज से उतरना जो है इस सेंस में आप इसको याद रख सकते हो कि अ लेवल एरिया एट द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस और बिटवीन वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड अदर ठीक है थोड़ा सा आप सीरियो वाली सेंस में ले लो कि लैंडिंग्स मीन चढ़ते हुए या उतरते हुए जो uh, सीढ़ियां होती हैं जहाज से उनको आप कह सकते हो

नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्म में ये तो है ना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल समझी जाती है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के फॉर्म में जबकि ये नॉन स्टैंडर्ड है ठीक है इसको स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता बट इसे यूज किया जाता है आप इसे ग्रामर में ऑफिशियली तौर पर यूज नहीं कर सकते हो तो ये आई हैव एंड आई एम की नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है ये थी हमारी इस चैप्टर की ग्लॉसरी अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की ग्रामर पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आज बच्चों हमने फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स सो बच्चों पेड सेशन में तो मैंने मॉडल वर्ब्स पर आई थिंक एक घंटे का या डेढ़ घंटे का लेक्चर दिया है ठीक है लेकिन अब जैसे ये छोटी सी डिस्कशन है तो मॉडल वर्ब्स को हम पढ़ते थे थोड़ा सा मैं मॉडल वर्ब्स का आपको आइडिया दे देती हूँ कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों मॉडल वर्ब्स जिसमें कैन कुड मे माइट डेयर need टू ठीक है डेयर नॉट उसके बाद आप शुड वुड ओ टू यूज टू ठीक है एन एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं जो मेरे जहन से स्किप हो गए इन वर्ड्स को हम मॉडल वर्ब्स का नाम देते हैं ये वर्ब्स होती हैं इनको मॉडल वर्ब्स का नाम देते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं ये हमें पॉसिबिलिटी बताती हैं ये हमें फॉर्मल एक परमिशन लेने में हेल्प करती हैं ये हमें अपनी पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किसी ऑब्लिगेशन को किसी कंपल्शन को ठीक है किसी टाइप की प्रोबिलिटी uh, को शो करने में हेल्प करते हैं ठीक है अब हर एक मॉडल वर्ब का अलग फंक्शन होता है लेकिन आपने मॉडल वर्ब के बारे में कुछ फैक्ट्स हमेशा याद रखनी है कि मॉडल वर्ब्स ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ऑलवेज आर हेल्पिंग वर्ब्स ठीक है तो ये कभी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होते क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ तो सेंटेंस ही नहीं होता हेल्पिंग वर्ब जब भी लगा होगा तो उसे एक मेन वर्ब की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए तो डेट मीनस के सेंटेंस में जब एक यही सिर्फ लगा है कैन लगा है और इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं लगा तो वहां पर कैन मॉडल वर्ब नहीं है बिकॉज वहां पे वो मेन वर्ब बन जाएगा जब एक वर्ब होता है आपको पहले लेक्चर में ठीक है बार बार ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड से पढ़ा। लेकिन मैंने न, भी पहले में, जो है, आपको पढ़ाया है कि चार होते है, टोटल एक वर्ब का होना मस्ट है और मैक्सिमम चार वर्ब्स होते हैं तो पहला वर्ब जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है दूसरा सपोर्टिंग वर्ब होता है तीसरा भी सपोर्टिंग वर्ब होता है और चौथा मेन वर्ब होता है अगर एक से ज्यादा वर्ब्स हो लेकिन अगर एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब कहलाता है अगर सिर्फ आई कैन आई कैन ठीक है आई कैन यहाँ पे अब कैन सिर्फ एक वर्ब है जो मेन वर्ब है तो ये मॉडल वर्ब नहीं है ठीक है ये मॉडल वर्ब नहीं है तो अगर इससे लिखा है आई कैन डू एट तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वर्ब है कैन और एक वर्ब है डू तो यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब का काम करे दो वर्ब है पहला हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब तो इस तरीके से ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मॉडल वर्ब है तो हमेशा जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं ठीक है मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय वी और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी मींस प्रेजेंट प्लूरल वी मींस प्रेजेंट प्लूरल के उनके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगता

ग्रामेटिक पोर्शन में आपको कहा है कि आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को लिखना है जो एरिया आपको गिवन है और ये पेरेंथेसिस में आपको वर्ड्स गिवन है है इसमें से से आपने चूज करना सो बच्चों गौर सुनिएगा आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इट इज पॉसिबल मीन्स पॉसिबल का मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ठीक है श्योरिटी नहीं है प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ऑप्शन बनाए तो बच्चों कुड तो कैन की पास फॉर्म है कैन की पास्ट फॉर्म है।, है और कैन और कुट को हम अबिलिटी शो करने के लिए यूज करते हैं की कि किसी में केपेबिलिटी होना किसी में अबिलिटी का होना हम कहते हैं कि ये हम कैन कुड की फॉर्म में यूज करते हैं तो यहाँ पे वो ये तो नहीं कह रहे प्रोबेबिलिटी तो शो कर रहे पॉसिबिलिटी शो कर रहे तो पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं माइट का वर्ड यूज करते हैं और माइट और मे मे बी माइट तब यूज होता है जब हम सर्टेन नहीं होते बस हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे होते हैं सेकेंड एग्जाम्पल देखे द डॉटर आस्क हर मदर इफ शी डैश गो आउट देखे Means पूछा। डॉक्टर ने अपनी बेटी से पूछा क्या यानी कंडीशन है कि हम बाहर चले जाएं? तो अब आप यहां पे क्या इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी इन सेंस डेटा से कहीं पर भी नहीं बल्कि यहाँ तो वो पूछ रही है कि इफ शी वुड गो आउट क्या वो बाहर जाएंगे ठीक है so सो यहाँ पे किसी तरह की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं है तो माइट तो नहीं आएगा देन आप आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके हम अच्छे से इसको देखेंगे चाइल्ड और ऑप्शन है शुड और वुड तो बच्चों हमेशा याद रखें, लेस्ट जो है वो एक कंजंक्शन होता है ठीक है लेस्ट क्या होता है एक कंजंक्शन होता है और लेस्ट कंजंक्शन अपने साथ या तो कोई मॉडल वर्ब लेता नहीं है ठीक है या तो उसने मॉडल वर्ब नहीं लेना वो मॉडल वर्ब के बगैर अपना मीनिंग देता है लेकिन अगर इन केस वो मॉडल वर्ब लेता है तो फिर वो सिर्फ एक मॉडल वर्ब लेता है जिसको हम कहते हैं शुड अपने साथ सिर्फ एक मॉडल वर्ब लेता है शुड सो लिस्ट के साथ आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल कर सकते हो या आपने कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल नहीं करना देन चिल्ड्रन डैश टेक टी एंड नाइट ठीक है अब बच्चे रात में चाय पीते हैं ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्ट लगा दो मस्ट का मतलब तो आप कंपल्सरी बना रहे हो कि बच्चे चाय जरूर ही पीते हैं नहीं ठीक है चिल्ड्रन शुड टेक टी एंड नाइट बच्चों को रात में चाय पीनी चाहिए क्योंकि अच्छी होती है थकन उतर जाएगी बट मस्ट का वर्ड आप एड नहीं कर सकते हो ये ऑब्लीगेटरी नहीं है कम्पल्सरी नहीं है मस्ट तो हम हर हाल में कंपल्सरी के लिए यूज करते हैं शी केम हेयर सो डेट शी डैश मीट हर चाइल्ड ठीक है so वो यहाँ आई अब केम का वर्ड आपको क्या शो कर रहा है Game क्या है बच्चों क्या है? है, है, किसकी Come की? जब पता चल गया कि यहां past form हो रही है, तो अब आप अपने option में से कौन सा प्रेजेंट फॉर्म को सेलेक्ट करोगे तो माइट यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन डैश हर सोल रेस्ट इन पीस आप दुआ दे रहे हैं ठीक है तो दुआ देने के लिए हमें पता है कि मे यूज होता है मे हर सोल रेस्ट इन पीस डैश नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक ठीक है अब बच्चों जब नॉट का वर्ड नजर आ गया ना तो हमारा मॉडल वर्ब जो डेयर है जो नीड है वो नॉट के साथ फॉलो होता है नीड नॉट ठीक है नीड नॉट ये हमारा मॉडल वर्ब होता है जब नीड नॉट को फॉलो कर रहा होता है तो यहाँ पे नीड आएगा उसके बाद है

आपको जाना है कंपल्सरी है आपकी आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो देन आप क्या यूज करोगे विल हैव विल हैव आपको compulsion में यूज करना है देन इफ यू स्टेड है ठीक है इफ यू स्टेड है यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो अब आप, आपको यहाँ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी चाहिए का सेंस लेंगे या नहीं करनी पड़ेगी ये आएगा

कि बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है ठीक है और यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट करने के लिए इनवर्जन वाला सेंटेंस है ठीक है कौन सा सेंटेंस सेंटेंस है वाला है वाला थर्ड कंडीशनल और मैंने आपको क्लियरली बताया कि इनवर्जन थर्ड कंडीशनल में हम लोग क्या यूज करते हैं स्टार्ट में शी हैड वर्क हार्ड शी वु पास तो यहाँ पर हम लोग शुड अपना यूज कर रहे हैं एक कंजंक्शन के तौर पर शुड और मस्ट में से शुड बेस्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे

तो आप देखिए उसके अंदर एबिलिटी की बात हो रही है और वो पास्ट की बात है तो आप कुट लगाएंगे वुड तो होता है करना चाहिए करेंगे ठीक है तो वो सेंस में नहीं आएगा शी शी डैश पास दिस टाइम एज हैज हार्ड तो अब आप देखिए अब उसने इस दफा ज्यादा मेहनत की है तो पॉसिबिलिटी है चांस है कि वो इस दफा पास हो जाएगी तो चांस के लिए आप मे यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए या कैन यूज करते हैं कैन तो एबिलिटी के लिए होता है मे होता है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए तो आप यहाँ मे लगाओगे शी सेट डेट शी डैश प्रिपेयर डिनर हर सेल्फ उसने कहा अब आप यहाँ पे गौर क्या करेंगे यहाँ पे विल लगाना है या वुड लगाना है तो विल यहाँ से आपको पता चला कि say की सेट तो आपको पास जब यहाँ मिल गई तो आप यहाँ विल की पास्ट फॉर्म वुड लगाओगे ठीक है देन खान डैश टू बी एट होम ठीक है अब यहाँ पे आप ओट का मतलब बच्चों ओट टू और शुड इन दोनों का एक ही मतलब है ठीक है करना चाहिए इन द सेंस ऑफ ड्यूटी आप शो कर रहे होते हो लेकिन ओ टू ज्यादा एम्फेसिस के लिए यूज होता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के लिए जब आप स्ट्रांग ड्यूटी कह रहे हो जिसपे किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है जैसे हमारी डेली प्रे, प्रेयर्स हो गई इस्लामिक रिलीजियस एक्शन हो गए ठीक है और शुड होता है थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं वीक एम्फेसिस के लिए should और ought to का एक ही मतलब है ड्यूटी को एम्फसिस uh, देने के लिए आप यूज करते हो कि आपको करना चाहिए लेकिन ought to ज्यादा स्ट्रांग एम्फसिस देता है और should थोड़ा कम ठीक है अब आप यहाँ खान डैश टू बी एट होम ठीक है खान को घर पे होना चाहिए का कोई सेंस ही बन रहा आप कह रहे हो कि खान घर पे हुआ करते थे ठीक है तो यहाँ यूज टू का मतलब होता है कि आप पास्ट में एक एक्शन होता था ठीक है तो खान यूज टू बी एट होम खान घर में हुआ करते थे देन आप देखें वेट जब वो कॉलेज में हुआ करते करते थे, थे. उस वक्त लोग क्रिकेट खेला करते थे. Used to को हम तब करते हैं, जब हम पास्ट के कोई हैबिट रहे होते कि पास्ट में हम ऐसा किया करते थे ये एक मॉडल वर्ड है डैश यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स ठीक है तो आप देखिए क्या आप मेरी मदद कर सकते इस बॉक्स को उठाने में तो कैन तो अबिलिटी होती है ठीक है अबिलिटी को शो करने के लिए यूज होता है जबकि है, है जब आप किसी से ये कह रहे हो कि के लिए, ठीक एक किस्म की आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप could use करो। पर है डेट आई न्यू हर ठीक है डेट आई न्यू हर में आप ये नहीं कह रहे कि मैं डेट आई न्यू हर नहीं आप कहते वुड डेट आई न्यू हर ठीक है कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में और विश करने में आप वुड का यूज करोगे जब आपको कोई विश कर रहे हो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कर रहे हो विश कर रहे हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज कर रहे हो और यहां पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप वुड यूज करोगे ठीक है और मेक अ आप वार्म परमिशन के लिए एनी वन डैश राइट अ पॉइम ऑन दिस पॉइंट ऑन दिस टॉपिक ठीक है तो एनी वन कैन राइट मीन्स किसी के अंदर एबिलिटी है कि वो इस पोएम इस टॉपिक पर पोएम लिख सके मे मीनस पॉबिबिलिटी या पॉसिबिलिटी तो वो यहाँ नहीं कह रहा वो यहाँ पे अबिलिटी का पूछ है कि कोई है जो इस टॉपिक पर पोएम लिख सके देन आ जाते हैं हम नीचे वाली फिल इन द ब्लैंक्स पे यहाँ पे भी हमने मॉडल वर्ब्स के ही थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और इन मॉडल वर्ब्स के थ्रू कैन कुड और बी एबल टू ठीक है बी एबल टू ये फ्यूचर एबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे बी एबल टू को हम फ्यूचर एबिलिटी के लिए यूज करेंगे

ठीक है बस स्टेशन कहाँ पर है तो अब मैंने आपको ऊपर कहा कि जब आपने कुछ इस तरह का सवाल करना होता है ठीक है तो इट्स बेटर कुड यूज कर लो ठीक है आप एक्सक्यूज में बस स्टेशन कहाँ पर है ठीक है तो आप यहाँ पर कुड यूज कर सकते हो या यहाँ पर आप कैन भी यूज कर सकते हो दोनों ठीक है दे हैवेंट ठीक है दे हैवेंट बींग एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम येट अभी तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके ठीक है तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पे फ्यूचर एबिलिटी शो हो रही है कि अभी तक वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके तो इस द बींग एबल टू ठीक है दे हैव नॉट और आप देखें यहाँ पे बी था तो यहाँ पे अब हैव नॉट है तो हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो हम बीन एबल टू लगाएंगे उसके बाद देखिए शी डैश प्ले द फ्लूट एंड द गिटार ठीक है वो फ्लूट एंड गिटार बजा सकती है शी

मस्ट मीन्स कंपल्शन हर हाल में काम होना चाहिए ठीक है मस्ट मीन्स कंपल्शन ये आ गया मस्ट का कंपल्शन सेकेंड हमारे पास आ जाता है माइट माइट मीन्स पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ठीक हो गया देन आ जाता है हमारा मे मे को आप किस लिए यूज करते हैं किसी पर्पस के लिए ठीक है और फॉर्मल या आप कह सकते हैं वॉर्म परमिशन के लिए और मे को आप पर्पस के लिए यूज करते हो इस बात को आपने जहन में रख लेना किसी पर्पस को शो करने के लिए अब आप एक एक करके सॉल्व करो ओ नो आई थिंक दे डैश बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर ठीक है ओ नो मुझे लगता है मैंने सोचा